أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. تم شاه خوبا तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है अका ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा अगर तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुसैन दवाम तुझको उम्र है लाखों बरस की तेरी अका उम्र है लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकी है आका ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मुल लें दिन यूसुफ नू खुद आप ही बिक जान दी मुल लें दिन यूसुफ नू खुद आप ही बिक जान दी तक लें दी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी आंखों ना बन सकी है आका ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा
जन्नत बेनी की है, कौसर बेनी की है, जन्नत बेनी की है, कौसर बेनी की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत बेनी की है, ना बन सकी है या ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे सातेर हजार पर्दे, जहां में बन जा ते तूर लाखों, जहां में बन जा ते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। है मुश्को अंबर या बुए जन्नत, नजर में इसकी है बेहकीकत, मिला है जिसको कमला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। ना बन सकी है या का ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। जजाकल्ला जजाकल्ला। नाज़रीन मोहतरम, अपने आज के इस प्रोग्राम में एक मरतब फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप ये प्रोग्राम नवाए रमज़ान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के तआवुन से देख रहे हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक, जो अल्लाह ताला का बेपनाह इनायतों वाला, रहमतों वाला महीना है और अब हमसे रुख्सत होने के करीब है, इस महीने के जो मकासद अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बयान फरमाए हैं, तरबियत के साथ, तकवा के साथ, उसमें उलमा कराम भी जो अपनी गुफ्तगु में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं कि ये महीना तरबियत का महीना कहलाता है। इस महीने से अल्लाह ताला को जहाँ एक तरफ हमारी रूह की और हमारी इबादात की तथहीर मकसूद है, वहीं पर इसका जो एक बड़ा मकसद कहा जा सकता है वो ये है कि हमने इस महीने से सीखना है, हमें किस तरह से अपने निज़ामुल औकात तरतीब देने हैं, और ख़ास तौर पर आज के इस सोशल मीडियाई दौर में और टेक्नोलॉजी की कसरत की वजह से, और बिलखसूस नौजवान स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं मिलता, हम ये भी करना चाहते हैं, हम फलां काम भी करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम तरतीब कैसे बनाएं, चीज़ों के लिए वक्त को किस तरह से मैनेज करें। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा ये प्यारा दीन, इसकी तो असास ही तरबियत और नज़्म व ज़ब्त पर है। तो हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, किस तरह से इसको इख्तियार किया जा सकता है, और इसके समरात फिर हमारी शख्सियत पर, हमारे मुस्तकबिल पर क्या होते हैं। तो हमने आज के प्रोग्राम में एक बार फिर दावत गुफ्तगू दी है इस मौजू पर ख्वाजा मसर नवाज़ सिद्दीकी को। आप उन्हें यकीनन हमारे प्रोग्रामों में इससे पहले भी देख चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, न सिर्फ हकूमती इदारों में बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप गुज़श्ता 10 साल से तरबियत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, बढ़ते हैं ख्वाजा मसर नवाज़ सिद्दीकी साहब के पास। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने आप। रहमान दानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया और आर पी न्यूज़ का भी, स्टैक कॉलेज का भी, कि इस माह मुकदस में गुफ्तगु, मुकालमा, सीखने सिखाने की बात यहाँ से हो रही है और लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और फैजयाब हो रहे हैं। ये खैर का काम है, भलाई का काम है, नेकी के जितने चिराग जलाए जाएं कम है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, और खैर की जितनी बात की जाए कम है क्योंकि शर की तादाद बहुत ज़्यादा है।
तो हमें खैर की और नेकी की भलाई की बात करते रहना चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया सर। ख्वाजा साहब, हमारे इन प्रोग्रामों में भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू हुई है, इबादात के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई है कि रोज़ा, उसके मसाइल, तरावी के हवाले से, कुरान हकीम की तिलावत के हवाले से। यकीनन इन तमाम की अहमियत से इनकार कतन नहीं किया जा सकता। तो इस महीने के हवाले से आपसे भी पहले एक दो प्रोग्रामों में गुफ्तगू हुई, तो आपने भी फरमाया कि ये तरबियत का महीना है, और इसके अलावा भी उलमा से सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने अपने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो इससे बेहतर कोई शख्सियत मुझे आपसे बेहतर नज़र नहीं आई कि मैं तो खुद आपकी शख्सियत से, आपके अपने टाइम मैनेजमेंट से भी बहुत मुतासर होता हूँ कि जब हम आपकी मसरूफियात का शेड्यूल देखते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपने कारोबारी मामलात हैं, उसके बाद स्कूल्स में, कॉलेजेस में दर्स व तदरीस के मामलात हैं, फिर कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, हुकूमती इदारों में हैं, तो जब एक कामों की फहरिस्त सामने आती है तो ऐसे लगता है कि ये शायद बहुत सारी शख्सियात या कुछ इदारों के कामों का जिक्र हो रहा है। लेकिन जब पता लगता है कि ये ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, आप हमारे नाज़रीन को और ख़ासतौर पर तलबा तालबात को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, रूहान दानी साहब ने एक सवाल में बहुत सारे सवालात कर दिए हैं। असल में बात यह है कि वक्त जो है ना वो पैसों से भी ज़्यादा कीमती है, और आपका असल सरमाया आपका वक्त होता है। ये वक्त जो है, जिसको हम अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, ये एक सह हरफी लफ्ज़ है, वाओ काफ ते, और ये अल्लाह की जो इंसान पर बेपनाह और बहुत ज़्यादा इनायात है, करम फरमाई है, उसमें एक एहसान और एक इनाम जो है ये वक्त भी है। हमें अब चाहिए ये कि हम इस वक्त को ज़ाया ना करें, इस वक्त को कीमती बनाएं, क्योंकि वक्त जो है वो रुकता नहीं है। घड़ी की टिक टिक जो है ना वो जारी है। हमसे पहले भी वक्त था और हमारे बाद भी वक्त होगा। हम अपने होने को, अपने वजूद को, अपनी सलाहियत को, अपनी तवनाई को, अपनी ताकत को, अपने हुनर को वक्त के साथ इस्तेमाल करना सीखें। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ रियाजी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, बायो पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, मेडिकल पढ़ाई जाती है, एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती। हमने अपने वक्त को कीमती कैसे करना है, ये जो हमें टाइम इज मनी कहा गया है, और ये कहा गया कि आज गुजरा हुआ वक्त फिर वापस नहीं आता, पछतावा रह जाता है, तो ये वक्त जो इतनी अहमियत का हामिल है, ये वक्त जो इतना कीमती है, ये वक्त जो गुजर जाए फिर नहीं आता, तो मुझे इस वक्त को गुजारना कैसे है, इस वक्त का दुरुस्त और बेहतरीन इस्तेमाल कैसे सीख रहा है। दुनिया में ये मौजू आज का सबसे ज्यादा पसंदीदा मौजू है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करें, और इस पर बड़े बड़े सेशन होते हैं। यानी ये काबिले इत्मीनान चीज है कि ये एहसास पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत पहले से 100 साल हो गए यूरोप ने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत मेहनत की है। मेरे पास, आपके पास 24 घंटे सबके पास यकसा है। ये सूरज सबके लिए तुलू होता है, ये दिन और रात का जो उलट फेर है ये सबके लिए, मेरे लिए अंधेरा और आपके लिए उजाला नहीं है, अंधेरा और उजाला हम सबके लिए यकसा है। हम सबके पास 24 घंटे भी यकसा है। हम क्या करते हैं, हम वक्त को जाया कर देते हैं। कहाँ जाया करते हैं, फजूल कामों में, लापरवाही में, सुस्ती में, काहिली में हम वक्त जाया कर देते हैं। अगर यहाँ फहरिस्त बनाई गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त जाया करने वाले कौन है, तो हम शुरू की कौमों में आएंगे कि हमने वक्त की कदर नहीं की, वक्त की कदर को पहचाना नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, सलाहियत दी है, हुनर दिया है, स्किल दी है, मगर मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। आपके पास और मेरे पास 24 घंटे हैं, हमने इन घंटों को तकसीम कैसे करना है, हमने इनसे फायदा कैसे उठाना। अब जैसे आप रमजान को ही देख लें, रमजान में 14 से 15 घंटे का रोजा होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे जियोग्राफी, तो हमने इन 15 घंटों को कैसे गुजारना है। दिन के 24 घंटे हैं, हम 8 घंटे आराम के निकाल लें, है जी, बाकी बढ़ते हैं 16 घंटे, उसमें 14-15 घंटे जो रोजे के हैं वो हमने कैसे गुजारना है। इसमें काम भी करना है, जॉब भी करनी है, दफ्तर भी जाना है, कारखाने भी जाना है, खेत में भी जाना है, है जी, फैक्ट्री पे भी जाना है, शॉप पे भी जाना है, यानी सारे काम करने हैं। अल्लाह को भी राजी करना है, अल्लाह को भी नाराज नहीं करना, अल्लाह को भी खुश करना है, उसकी रजामंदी भी हासिल करनी है,
जन्नत वाले अमाल भी कर रहे हैं, है जी। अल्लाह को भूखे रहने का कोई फायदा नहीं बंदे का, अगर वो झूठ बोलना ना छोड़े, अगर वो हिब्बत करना ना छोड़े, चुगली करना छोड़े। हाँ, तो उसने बचत के लिए तो नहीं भूखा रखने का, वो जो इसको आप तरबियत का महीना भी कह रहे थे, तो मैंने इन 15 घंटों में तरबियत कैसे पानी है? देखे, इसके लिए ये है कि आप वक्त को तकसीम करें। ठीक है, आप हम में से, मैं कहता हूँ 100 बंदों से पूछे, किसी एक बंदे ने भी अपने वक्त की तरतीब नहीं बनाएगी। हमें वक्त की तरतीब, वक्त की तंजीम बनानी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम वक्त की तंजीम और वक्त की तरतीब नहीं बनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इन 14-15 घंटों में मैंने इबादत कितने घंटे की करनी है, जिक्र और अज़कार की मजलिस में अकेले होके कब बैठना है, अपना मुहासबा और मराकबा कैसे करना है, टाइम टेबल ड्रॉ कर ले, वो ड्रॉ करें और फिर उसको मुस्तकिल मिजाज के साथ फॉलो करें, फिर देखें कि आपको ये रमजान भी अच्छा लगेगा, रोजे भी अच्छे लगेंगे, आपको वक्त भी कीमती लगेगा, और फिर आप देखेंगे कि आपके वक्त में बरकत कैसे बढ़ जाती है, प्रोडक्टिव बन जाएंगे आपके सारे काम। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आपने ये फरमाया कि हम दरअसल वक्त को ज़ाया करते हैं और उसमें हमारी सुस्ती और गफलत भी शामिल है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि इस सुस्ती से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देखिए, ये तो मजबूत इरादा होता है। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी फला काम मैं करने की कोशिश करूंगा, फला काम मैं कोशिश करूंगा हो जाए, ये वाला काम जो है ना, मैं वॉक करने वाला और वर्जिश करने वाला कोशिश करूंगा, कल से शुरू करूंगा, और मैं अब जनाब ट्रैक सूट भी ले आऊँ, जॉगर भी लेगा इंशाल्लाह, और ये जो डाइटिंग आप कह रहे हैं, बोतल छोड़ने का मुझे कह रहे हैं, मीठा कम करने का कह रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ काम कोशिश से होता है और बहुत सारे काम हिम्मत से होते हैं। कोशिश की जगह अगर आप हिम्मत को ले आए ना, क्या बात है, तो फिर आपके इरादे में मजबूती आएगी, आपके इरादे में ताकत आएगी, आपके इरादे में जिद आएगी कि नहीं मुझे करना है, आई कैन डू इट। हम ऐसे नहीं है, हम हिम्मत को परे कर देते हैं, कोशिश को आगे रखते हैं। कोशिश कभी कामयाब होगी, कभी ना होगी। हिम्मत जो होती है ना, वो मुस्तकिलन आपके वजूद का, आपके काम का, आपके इरादे का हिस्सा बन जाती है। तो इसलिए चाहिए हिम्मत हम कोशिश की जगह हिम्मत को दे दें और फिर आगे बढ़े, और फिर आप इस वक्त को, इस नेकी को, इस कार्य खैर को आप आगे भी लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत से मैं ब्रेक ले लूँ, हम मजीद इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो आइए एक बार फिर बढ़ते हैं ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी की जानिब बगैर वक्त ज़ाया किए, और उनसे जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इख्तियार करने पर जो शख्स अपनी ज़िंदगी को एक मखसूस निज़ामुल औक़ात के मुताबिक ढाल लेता है, तो उसकी शख्सी ज़िंदगी पर, उसकी ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी पर, मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ख्वाजा साहब फरमाइएगा कि निज़ामुल औक़ात के मुताबिक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नज़्म व ज़ब्त में ढाल लेते हैं, तो असरात क्या हैं? देखें, एक तरफ तो रोज़ा है, रमज़ान है, ये एक तरबियत है। आप अपने नफ्स का तज़किया भी कर रहे हैं, अपने बदन को भी बेहतर कर रहे हैं, अपना वज़न भी कम कर रहे हैं, आपका रजू अल्लाह की तरफ भी ज्यादा है, आप कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, आप इबादत में भी मशगूल हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, अच्छा आप सदका खैरात भी कर रहे हैं, फराइज भी अदा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसी सूरत हाल में जब आप वक्त को सामने रखते हैं कि मेरे रोजे के घंटे कितने हैं, और इस घंटों में नमाज के लिए कितना वक्त है, तरावी के लिए कितना वक्त है, तिलावत के लिए कितना वक्त है, सहर के लिए कितना वक्त है, अफ्तारी के लिए कितना वक्त है, मेरी जॉब का कितना वक्त है, मैं टीचर हूँ, मुझे स्कूल कितने घंटे में जाना है, मुझे फिर बाद में एकेडमी कितने बजे जाना है, अगर मैं ये टाइम को तंजीम नहीं करूँगा, इसकी तरतीब नहीं बनाऊंगा, तो फिर क्लैशेज होंगे। फिर लोग कहेंगे, लो जी वड्डा रोजा रखे हैं, है टाइम ते आया कोई नहीं, पढ़ान आया कोई नहीं, सुत्ता कर, है नी, घर में आराम कर रहा है नी, रोजे का बहाना बना लिया है, फिर लोग आपके रोजे पर उंगली उठाएंगे, आपके करैक्टर पर उंगली उठाएंगे, आपकी सुस्ती पर उंगली उठाएंगे। बेहतर यह है आप चीजों को ड्राइंग करें, एक सीक्वेंस में ले आए, और आप अपने मिनट्स बनाएं,
इस महीने के मिनट्स बनाए। इसमें आपने शॉपिंग भी करनी है, दर्जी को सूट भी सिलने के लिए देना है, जूता भी लेने जाना है, बच्चों की चीजें भी खरीदनी है। हाँ जी, शहर में इस महीने में हमारा खाना पीना भी ज्यादा हो जाता है, पार्टीज भी होती हैं। हम घर में आमतौर पे एक डिश पकती है, अफतारी में दो तीन डिशें बनानी पड़ती है। पकौड़े समोसे भी बनाने लगे, चिकन रोल भी बनाने हैं, कोई फ्रूट चाट भी बनानी है, चना चाट भी बनानी है। दस्तरखान जब तक सजा हुआ ना हो तो मजा नहीं आता, अफतारी नहीं लगती। मैं अगर कहता हूँ घर में खजूर और पानी से रोजा खोले, बाकी ये जितनी ऐश है, तायुशात है, तकल्लुफात है, तो मेरी बीवी कहती आप खोले, हमें खोलने दें मजे से, हमें तो ये सारी चीजें बनानी है। बिरयानी भी बनानी है, चाइनीज डिशें भी बनानी है, देसी पकवान भी बनाने हैं। तो ये एक इसमें अल्लाह की मदद भी साथ हो जाती है। हमें खवातीन बड़ी मेहनत करती है इस वाले से। वो मेरे ख्याल में अगर टाइम मैनेजमेंट पे कोई अमल करता है तो हमारी बीवियां होती है, हमारी माएँ होती है, हमारी बहनें होती है, वो बड़ा ख्याल रखती है। अच्छा, बिफोर चलती है दीजिएगा कथा ग्रामी की मजा चाहते हुए एक सवाल जहन में आ गया। आपने फरमाया कि खवातीन खास तौर पर इस महीना उनके लिए तो बहुत ही मेहनत और मुशक्कत वाला, माशाल्लाह इबादत भी करती हैं और साथ साथ फिर ये सारे काम भी सहर और अफ्तार के, तो यहाँ पर आप इस बात को मुकम्मल करते हुए ज़िमनन अगर नाज़रीन को यानी सुनने वालों में जो हमारे भाई बुजुर्ग बेटे हैं उनको भी पैगाम देना चाहें कि ख़वातीन के साथ अपने घर की अपनी बीवी के साथ माँ के साथ बहनों के साथ मिल के कोई काम करने के हवाले से, कोई आप सल्लम की सुन्नत के हवाले से कोई पैगाम। सर, इसमें पैगाम तो ये है, देखिए बाजू में जिस शख्स के अंदर एहसास नहीं है वो इंसान नहीं है। एहसास जो है ना, दूसरों का एहसास वो आपको इंसान बनाता है। जो पिछले प्रोग्राम में भी आपने बात की थी कि तकवा के औसाफ में से एक एहसास है, वो एहसान है। अच्छा, एहसान वो एहसान है। एहसास और एहसान भी मुतरादिफ अल्फाज है। एहसास जो है ना वो आपको इंसान बनाता है। आप दूसरों के बारे में एहसास रखते हैं। आप, मैं ये कहूंगा जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, वो आज जाकर ना घर में बीवी के हाथ चूमे, माँ के हाथ चूमे, बहन के भी हाथ चूमे, कि आपके हाथों में अल्लाह दुआ दे कि अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे। आप, हम सो रहे होते हैं, आप अफ्तार के लिए उठती हैं, क्या बात, हम सो रहे होते हैं और आप जब अफ्तारी टेबल पे लगा सारी जब लगा देती फिर आप कहती आप आ जाए और आप आखिरी वक्त पे आते हैं, तो फिर आप तो सो जाते हैं नमाज पढ़ के, वो फिर बर्तनों को धोती है, चीजों को ठिकाने पर लगाती है। चीजें बनाने के लिए जितनी मेहनत होती है ना, चीजों को समेटने के लिए उसे भी ज्यादा मेहनत दरकार होती है। तो आप करते हैं इसी तरह अफतारी में तीन तीन चार डिशे बनाना, सख्त गर्मी में तंग और तारीख चिकन में किचन में खड़े होकर तीन तीन घंटे अफतारी की तैयारी करना, यानी हमारा रोजा कुशाई जो है वो 7:45 बजे है, खातीन 4 बजे किचन में घुस जाती है, 2-3 घंटे और फिर उसके बाद भी अफतारी के बाद भी तरावी के बाद भी खातिन किचन को दुरुस्त करती है। टाइम मैनेजमेंट अगर हमारे यहाँ किसी ने सही तरह समझा है तो हमारी माओ ने, हमारी बीवियों ने, हमारी बहनों ने समझा है। तो इसी तरह एक मर्द भी, एक स्टूडेंट भी, एक मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट हर शख्स के लिए बहुत जरूरी है। इस माह मुकद्दस में, इस मुबारक महीने की घड़ियों से मुस्तफीद होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अजर और इनाम पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रब की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए, जन्नती अमाल का ढेर लगाने के लिए, इस नेकियों के मौसम में बहार में मुस्तफीद होने के लिए, फैज पाने के लिए ये जरूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें। एक स्टूडेंट भी सीखे, एक उस्ताद भी सीखे, एक फैक्ट्री का मालिक भी सीखे और उसका वर्कर भी सीखे, एक किसान भी सीखे, एक जिम्मेदार भी सीखे, एक माँ भी सीखे, एक बेटा भी सीखे, एक बेटी भी सीखे, एक लॉयर भी सीखे, एक मुंशी भी सीखे। हर शख्स जो है ना इस माह मुकद्दस में टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखे। ये इससे सिर्फ हम अपनी जिंदगी को बस आसान कर रहे हैं या इसके कोई दीगर भी हमारे शख्सियत या मुस्तकबिल पर असरात हैं? इसमें देखें, आप जब खुद आसान होते हैं तो आपकी राहें मुश्किल, राहों की मुश्किलात दूर हो जाती है। आपने बिजली का बिल भरना है सर, और आपको ये पता होता है मेरा 20 से 23 तारीख तक बिजली का बिल आता है। अगर कभी जहन को आपने ये मैसेज नहीं दिया तो आप 25 तारीख को कहते हैं ओहो बिजली का बिल, और आप हर महीने जो है जुर्माने के साथ बिजली का बिल अदा कर रहे हैं और कभी कभी मीटर भी उतार लेते हैं। इसका मतलब है आपने टाइम की अहमियत को नहीं समझा, उसकी सिचुएशन को नहीं समझा, उसकी मैनेजमेंट नहीं सीखी। आप हर काम तखीर से करने पे आखिरी वक्त करने के हक में है। बच्चों की फीस अदा करनी है आखिरी वक्त पे, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, वासा का बिल भरना आखिरी तारीख में जुर्माने के साथ भरना है। इसी तरह ट्रेन पे पहुंचना है तो भी आप आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, बस पे सवार होना है, जहाज पे जाना है। हम अगर इन छोटी छोटी चीजों को तरतीब देना सीख लेंगे तो इनकी मैनेजमेंट सीख लेंगे। मैनेजमेंट कहते हैं एहतमाम इंसराम को,
एहतमाम, आप एहतमाम करना सीख लेंगे ना आपकी जिंदगी में हुसन आ जाएगा, आप जिंदगी में सलीका आ जाएगा, आप मेच्योरिटी आ जाएगी और फिर कामयाबी, आप परेशान नहीं होंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अच्छा, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं जी, और कहीं ना कहीं होगा टाइम मैनेजमेंट से ही जाके इनका ताल्लुक, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सर बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, हमारा वक्त महदूद है, इफ्तार का वक्त करीब है। मैं ये चाहूंगा आपकी गुफ्तगू के तनाजुर में चलते चलते एक बात और अर्ज हो जाए, नाज़रीन के सामने इसकी वजाहत हो जाए। अमूमी तौर पर रमजान मुबारक में ये देखा गया है खास तौर पर नौजवान तबका, और वो जैसे आप फरमा रहे हैं बार बार के वक्त के ज़ाया होने की बात हो रही है, दिन ज़ाया रात ज़ाया, तो निज़ाम कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ तरतीब दे दिया जाता है, यानी रात भर जागना और नौजवानों की जानिब से तो रात भर खेलना कह लें आप, पूरी रात क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वीडियो गेम, मोबाइल, और फिर सुबह रोज़ा रख के सोना और फिर सपहर तक देर तक सोए रहना, तो इस तर्ज अमल के बारे में थोड़ा सा आप वजाहत कर दें कि देखिए कैसे सही किया जाए। देखिए मैं बात बता दूँ, साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में एक महीना अल्लाह का है और ये महीना वेरी स्पेशल होना चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, इसको खेल कूद कर जाया नहीं करना। बड़ी खूबसूरत बात फरमाई आपने कि अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह का महीना है, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, ये स्पेशल महीना है, इसके लिए प्लानिंग भी स्पेशल होनी चाहिए। आपको अगर ईद की तैयारी करनी है ना, ठीक है, आप उसके लिए कपड़े भी सिलवा रहे हैं, घर में एसी भी लगवा रहे हैं, हाँ जी, नया मोटरसाइकिल भी लेके आ रहे हैं, नया कालीन भी बिछा रहे हैं, नए सोफे भी ले रहे हैं, नए पर्दे भी लगवा रहे हैं, हाँ जी, व्हाइट वॉश भी करवा रहे हैं, नए बर्तन भी खरीद रहे हैं कि मेहमान आएंगे, आप ये सारी चीजें, इसका रमजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रमजान का ताल्लुक है रूह के साथ। आप जो रोजा रख रहे हैं वो अल्लाह के लिए, इसका अजर उसके लिए, दरवाजे सारे जन्नत के खुले हुए हैं, ये वाहिद महीना है जब सारे दरवाजे, रोजेदार के लिए ये सहूलत है वो जिस दरवाजे से मर्जी दाखिल हो जाए, किसी और के लिए सहूलत नहीं है, किसी शहीद के लिए नहीं है, किसी और शख्स के लिए नहीं है, किसी और इमाम वली के लिए नहीं है, रोजेदार के लिए। तो वो रोजे के लिए ना फिर इस महीने को अलग से डिजाइन करें, जैसे आप जब घर से निकलते हैं ना मरी जाने के लिए जी, तो आप प्लानिंग करते हैं जी, बिल्कुल, गर्म कपड़े लेके जाने हैं, जॉगर लेके जाना है, ये ट्रैक सूट लेके जाना है, ये शॉल भी लेके जानी है, हैं जी, वहाँ जितने दिन रहेंगे उतने ड्रेसेस भी, रमजान की तैयारी, रोजे की तैयारी करनी चाहिए। हम ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, असल में रमजान की तैयारी करनी होती है, रमजान में अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना है, ज्यादा से ज्यादा मुत्तकी कैसे होना है, अल्लाह का खौफ दिल में कैसे बना। मैं कहा करता हूँ कि हम रमजान मनाते हैं, हम रमजान को रूह में नहीं उतारते, हमारा जिस्म, हमारा, हमारी रूह जो है उसमें रोजा नजर आना चाहिए, हमारी बातचीत में रोजा नजर आना, यानी जस्ट रिवायत रह गई है। अगर आप सो के खेल के गुजारेंगे तो इसका मतलब है आपने रमजान को सेलिब्रेट किया है, रमजान को रूह में नहीं उतारा। तो सोने पर मुझे किसी का एतराज नहीं, क्योंकि सोने पर भी इबादत है, मगर वो खेल कर सोना, टीवी देख कर सो जाना, या रोजे को गुजारने के लिए, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जागे, यानी कमर कस लें कि मैंने रब को राजी करना है और अपने साल भर के जो नेकियां ना उसको जमा करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मिल। देखिए इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है और अगर वो उसको कामयाब बनाए या नाकाम, ये उसके अपने ऊपर है। इस तरह रोजा भी ना आज मिल रहा है तो इसको आज को भरपूर फायदा उठा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। नाज़रीन मोहतरम, आपने ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी की गुफ्तगू सुनी, बहुत खूबसूरत जुमला आपने इरशाद फरमाया कि ये महीना जो अल्लाह ताला का मेहमान है, ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें हमारी सारी कोशिशों का मकसद अपने रब को राज़ी करना होना चाहिए, अपनी दीगर तमाम मसरूफियात को, समाजी और खेल कूद की जितने भी इजाफी मसरूफियात हैं उन्हें 11 महीने के लिए उठा कर रखा जा सकता है, इस महीने में अपनी रूह को तरक्की देकर अपने रब को राज़ी करना है। आइए हम ख्वाजा साहब से गुजारिश करेंगे कि इफ्तार के इन खूबसूरत लम्हात में और दुआ की कबूलियत के औकात में हम दुआ में हम उनके हम नवा बने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, अल्लाह हम तुझसे खैर का भलाई का सवाल करते हैं, अल्लाह हमें शर से बुराई से बचा, हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे तू राजी होता है, अल्लाह हमें अपने पसंदीदा आमाल को सरंजाम देने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह हम तुझसे ये दुआ करते हैं
कि तू इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पर अपने भलाई वाले फैसले सादर फरमा, हमें शर से बचा या अल्लाह, हमें शैतान के हमलों से बचा, हमें आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से सब्र और बर्दाश्त से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह हमें दुनिया और आखरत की तमाम भलाइयां अता फरमा। या अल्लाह हम तुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें कब्र के और जहन्नम के अजाब से हमेशा महफूज रखना। अल्लाह ताला हम तेरे दीदार को तरस रहे हैं, जन्नत में अपना दीदार नसीब फरमाना। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही रहमतुल्लाह।